क्लास 11th. गुड मॉर्निंग बेटा. गुड मॉर्निंग. तो मैं आपको पढ़ाती हूँ जन संचार की विधाएं. ठीक है, जन संचार की विधाएं. तो जन संचार क्या होता है? जन संचार के लिए लाइन बोल लिया पॉज करके. जन संचार को समझने के लिए, जन संचार के स्वरूप को समझने के लिए संचार के स्वरूप को भी समझना आवश्यक होता है. कि जन संचार क्या है. तो जन संचार कहते हैं, संचार किसे कहते हैं, पहले होता है संचार किसे कहते हैं. तो संचार के मूल में क्या होती है? संचार के मूल में चर धातु होती है. संचार के मूल में कौन सी धातु होती है? चर धातु होती है. और चरना, चर का अर्थ होता है विचरण करना. चरना मतलब इधर उधर चरना, इधर उधर जाना आना, मतलब होता है विचरण करना, घूमना. तो जन संचार, जन का अर्थ क्या हो, जन संचार के मूल में धातु होती है, चर धातु होती है. और चर का अर्थ होता है विचरण करना. और विचरण करना एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना. तो यह पहुंचना मनुष्य का भी हो सकता है, यह पहुंचना जो है मनुष्य का भी हो सकता है, प्राणियों का भी हो सकता है, और ध्वनि का भी हो सकता है, और प्रकाश का भी हो सकता है. क्योंकि संचार तो बराबर चलता रहता है ना. तो परंतु हम जिस संचार की बात करते हैं उनका अर्थ क्या होता है? मानव के संदेशों को पहुंचाना. मतलब वैसे तो अर्थ विचरण करना मतलब क्या होता है, एक समाचार एक से दूसरे तक पहुंचाना, है ना. तो पशु पक्षियों का इधर उधर होना, और चित्र का भी, ध्वनि का भी. तो लेकिन यहाँ पर जन संचार का माध्यम मतलब होता है कि मानव के संदेशों का पहुंचना. तात्पर्य क्या होता है? संदेश भेजना और संदेशों को प्राप्त करना. तो इसके लिए कहते हैं, कभी पूछा जाता है कि जन संचार किसे कहते हैं. तो जन संचार क्या होता है? पहले जन संचार को समझना पड़ेगा. संचार में चर नामक एक धातु होती है, और चर का अर्थ होता है विचरण करना. मतलब एक संदेश को एक दूसरे तक पहुंचाना. उसमें संदेश प्राणियों का भी हो सकता है, प्रकाश का भी हो सकता है, ध्वनि का भी हो सकता है. लेकिन जन संचार, जन मतलब विचरण करने का मतलब है. तो जन संचार का मतलब होता है एक प्राणी के संदेशों को, मानव के संदेशों को एक दूसरे तक पहुंचाना. और संदेशों को मानव, मानव के जो संदेश हैं एक दूसरे तक पहुंचते हैं, एक दूसरे के संदेश, मानव के संदेशों को दूसरे तक पहुंचाना और उनके संदेशों को प्राप्त करना, तो उसे कहते हैं हम जन संचार. जन मीन्स होता है मनुष्य, और संचार मीन्स होता है विचरण करना. मानव के संदेशों को एक दूसरे तक पहुंचाना और उनसे संदेशों को प्राप्त करना जन संचार कहलाता है. ठीक. अब देखिएगा, संचार कहते हैं संचार माध्यम क्या होता है. तो संचार जो होता है स्वयं में एक प्रक्रिया होती है. संचार जो होती है विचरण करना जो होती है स्वयं में एक प्रक्रिया होती है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने की प्रक्रिया. और यह प्रक्रिया किसी प्राकृतिक माध्यम के सहारे ये गति करती है. जैसे हम बोलते हैं ना, तो ध्वनि तरंगों और वायु तरंगों के सहारे, तो जैसे हम बात करते हैं तो बात करते हुए क्या है, ध्वनि तरंगों और वायु तरंगों के सहारे ये हमारी बात पहुंचती है. तो इस प्रकार तरंगें, स्पर्श संवेदन, इशारे आदि भी संचार में माध्यम बनते हैं. परंतु क्या कहते हैं, इन जो मूल कारक होते हैं इनको हम संचार नहीं कहते. संचार माध्यम क्या होता है कहते हैं. संचार जो होती है स्वयं में एक प्रक्रिया होती है. संचारों को मतलब संदेशों को संचार के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाना. और यह प्रक्रिया प्राकृतिक माध्यम से भी हो सकती है. जैसे हम बोलते हैं, ध्वनि तरंगों और वायु तरंगों के सहारे मतलब हमारी बातें जो है एक दूसरे तक पहुंच जाती है. ठीक. इसे कहते हैं हम लोग संचार माध्यम. क्या कहते हैं हम लोग? संचार माध्यम. ठीक. देखिए, अब संचार के
मूल तत्व तो कौन से होते हैं, मतलब पहले हो गया जनसंचार, फिर हो गया क्या हो गया संचार माध्यम, कि संचार माध्यम किसे कहते हैं। तो संचार माध्यम के जो मूल तत्व तो होते हैं, पहला होता है संचारक, पहला होता है संचारक, और दूसरा होता है संदेशों का कूटीकरण करना। संचारक पहले पहला होता है संचार के मूल तत्व होते हैं, पहला होता है संचारक, दूसरा होता है कूटीकरण, और तीसरा होता है संदेशों का कूटवाचन। संदेश पहले, संदेश पहले हमें आता है संचारक, नंबर एक संचारक, दूसरा होता है संचार का जो संचार होते हैं मतलब जो संदेश होते हैं संदेशों का कूटीकरण करना, और नंबर थ्री में संदेशों का कूटवाचन, और नंबर फोर में होता है प्राप्तकर्ता के मतलब संदेशों को पहुंच जाता है और उसमें प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। तो संचार के मूल तत्व कौन से होते हैं, नंबर एक संचारक, नंबर एक होता है संचारक, दूसरा होता है संदेशों का कूटीकरण करना, तीसरा होता है संदेशों का कूटवाचन, और नंबर फोर होता है प्राप्तकर्ता, उसको प्राप्त करता है, ठीक है उसको प्राप्त करता है। कौन कौन से तत्व होते हैं, पहला होता है संदेशवाहक, नहीं पहले होता है संदेशक, तो संदेशक या संचारक, तो पहला होता है क्या संचारक, दूसरा होता है संचार का कूटीकरण, तीसरा होता है संदेशों का कूटवाचन, और होता है प्राप्तकर्ता। देखिए संचारक, संचारक, संदेशों का कूटवाचन, संदेशों का कूटीकरण, और नंबर फोर में आता है प्राप्त प्राप्तकर्ता, ठीक है। तो कहते हैं कूटीकरण, संचारक की भूमिका, संचारक की भूमिका क्या होती है, संचारक क्या काम करता है, तो संचारक क्या करता है, किसी संदेश को जो भेजता है, भेजने वाला क्या कहलाता है, संचारक कहलाता है। संचारक किसे कहते हैं, जो किसी संदेश को भेजता है, मतलब जो किसी संदेश को भेजता है उसे संचारक, उसे संचारक कहते हैं। और संचारक का प्रथम गुण क्या होता है, संदेशों की स्पष्टता, और दूसरा होता है संदेशों को प्राप्तकर्ता के अनुकूल कूटीकृत करने की क्षमता। मतलब संचारक की भूमिका क्या होती है, इसके संचारक जो है किसी संदेश को भेजने वाला, जो संदेश को भी संदेशों को भेजने वाला संचारक कहलाता है, और संचारक की जो भाषा होती है बिल्कुल सुस्पष्ट होनी चाहिए, ठीक उसे कहते हैं हम संचारक। संचारक किसे कहते हैं, संचारक किसी भी संदेश को भेजने वाला संचारक कहलाता है, और उसकी भाषा जो है सुस्पष्ट होनी चाहिए, ठीक। अब देखिए कूटीकरण क्या होता है, कहते हैं कूटीकरण क्या होता है, कूटीकरण क्या होता है, कूटीकरण या इंग्लिश में कहते हैं एनकोडिंग, इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग एनकोडिंग। तो कूटीकरण क्या होता है, प्राप्तकर्ता को समझाने योग्य कूटों में संदेश को भेजना कूटीकरण कहलाता है। जैसे संदेशों को भेजने के लिए जब संदेश भेजे जाते हैं, तो संदेशों को भेजने के लिए शब्द संकेतों या ध्वनि चित्रों का उपयोग किया जाता है। जब संदेश भेजे जाते हैं तो उनमें शब्द चित्रों का उपयोग किया जाता है, और किसका, ध्वनि चिन्हों का, शब्द चित्रों का और ध्वनि चिन्हों का उपयोग किया जाता है। और भाषा भी जो होती है एक प्रकार का कोड होती है, भाषा एक प्रकार का कोड होती है। तो प्राप्तकर्ता को समझाने योग्य, जो संदेशों को प्राप्त करता है, प्राप्तकर्ता को समझाने योग्य कूटों में संदेश को भेजना, प्राप्तकर्ता को समझाने योग्य संदेश को बांधना कूटीकरण या एनकोडिंग कहलाता है, ठीक। तो कूटवाचन क्या होता है, जैसे कूटीकरण को कहते हैं एनकोडिंग, कूटीकरण को क्या कहते हैं, एनकोडिंग कहते हैं, और डिकोडिंग, कूटीकरण होता है एनकोडिंग, ठीक है, कूटीकरण को हम लोग एनकोडिंग भी कहते हैं। कूटवाचन या डिकोडिंग क्या होती है, कूटवाचन या डिकोडिंग क्या होती है, देखिए कूटीकरण की उल्टी प्रक्रिया कूटवाचन कहलाती है। मतलब जो कूटीकरण अभी हमने पढ़ाया है कि प्राप्तकर्ता को समझाने योग्य कूटों में संदेशों को भेजना कूटीकरण कहलाता है, तो कूटीकरण की जो उल्टी प्रक्रिया होती है वह कूटवाचन कहलाती है। समझा गया, कूटीकरण की उल्टी प्रक्रिया कूटवाचन कहलाती है। इसके माध्यम से संदेशों को जो प्राप्त करता है क्या करता है, चित्रों में बंधे संदेश को भेजता है।
चिन्हों में, मतलब वो क्या करता है, प्राप्त करता, संदेश को प्राप्त करता, कूट चिन्हों में, कूट चिन्हों में बंधे हुए संदेश भेजता है। और उसके लिए क्या आवश्यक, उसके लिए आवश्यक होता है कि प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता भी कोड का वही अर्थ समझ ले जो संचारक समझता है, जो संचारक, जो भेजने वाला समझता है। क्या कहते हैं, कूटीकरण की जो ऊटी प्रक्रिया होती है वह कूटवाचन कहलाती है। ठीक, तो इसके माध्यम से संदेशों को प्राप्त करता, इसके माध्यम से संदेशों को जो प्राप्त करता है कूट चिन्हों में, कूट चिन्हों में संदेशों को भेजता है। इसके लिए यह आवश्यक होता है कि जो इन चिन्हों को भेज रहा है, जो इन संदेशों को भेज रहा है और प्राप्तकर्ता भी जो होता है वही अर्थ समझे, वही अर्थ समझे जो कि संचारक समझता है। ठीक है, जो कि देखिए लिखा होता है कूटीकरण की ऊटी प्रक्रिया क्या कहलाती है, कूटवाचन कहलाती है। कहते हैं इसके माध्यम से जो संचारक होता है, मतलब जो भेजता है, संचारक होता है, जो संचारक होता है कूट चिन्हों में बंधे हुए अपने संदेशों को वो भेजता है। और इसके लिए आवश्यक होता है कि प्राप्तकर्ता, जो प्राप्त करता है कोड का वही अर्थ समझे, कोड का वही अर्थ समझे जो कि संचारक समझता है, जो कि संचारक समझता है, जो मतलब संचारक मतलब जो भेजता है संदेशों को भेजता है संचारक समझता है। तो उसे कूटवाचन, कूटवाचन या हम उसे कहते हैं डिकोडिंग। ठीक है ना, और कहते हैं, और कूटीकरण क्या होता है, कूटीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, कूटीकरण को कहते हैं एनकोडिंग। ठीक है, कूटीकरण को कहते हैं एनकोडिंग और कूटवाचन को कहते हैं डिकोडिंग। ठीक है, क्या कहते हैं, डिकोडिंग। तो इस प्रकार से संचारक की, पहले संचारक, दूसरा होता है कूटीकरण और नंबर थ्री में आता है कूटवाचन, कूटवाचन। अब देखिए संदेश प्रक्रिया या फीडबैक किसे कहते हैं, फीडबैक कैसे कहते हैं, कहते हैं कूटीकृत संदेश के पहुंचने पर, जब वो संदेश पहुंचता है तो क्या होता है, तो जब संदेश वहां पहुंचता है और प्राप्तकर्ता जो है संदेशों को देखता है, प्राप्तकर्ता संदेशों जो उनको देखता है और उन पर जो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, कहते हैं जो एक्शन जो होता है प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, तो यह आवश्यक है कि इसी से पता चल जाता है कि संचारक को संदेश प्राप्तकर्ता, संचारक के पास जो संदेश है वह प्राप्तकर्ता तक पहुंच गया है और ठीक ठाक पहुंच गया है। तो उसे कहते हैं संदेश प्रतिक्रिया। संदेश प्रतिक्रिया क्या होती है, देखिए कूटीकृत संदेश के पहुंचने पर, कूटीकृत संदेशों के पहुंचने पर प्राप्तकर्ता जो है अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। उसके लिए आप उसी से क्या होता है, उसी से ये पता चल जाता है कि प्राप्तकर्ता तक संदेश पहुंचा या नहीं, और या वो ठीक ठाक वहाँ पर पहुंच गया है। ठीक है, तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, संदेश प्रतिक्रिया, या हम कहते हैं इसे फीडबैक, बैक संदेशों की प्रतिक्रिया। मतलब संदेश प्रतिक्रिया सीधा अर्थ है कि जब संचारक जो है कहीं भी संदेश अपने कोड नंबर से वो संदेश भेजता है और जो जिसको प्राप्त होता है वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, और प्रतिक्रिया व्यक्त करने के बाद में जब प्रतिक्रिया व्यक्त हो जाती है तो उसको ये पता चल जाता है कि वो जो संदेश है वहाँ तक पहुँच गया है या नहीं, उसको पता चल जाता है, तो उसे कहते हैं हम लोग संदेश प्रतिक्रिया। ठीक है, कहते हैं शोर से क्या तात्पर्य होता है, शोर से क्या तात्पर्य होता है, कहते हैं संचार प्रतिक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा आ जाए, संचार प्रतिक्रिया चल रही है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी यदि बाधा आ जाती है तो उसे हम कहते हैं शोर, शोर कहते हैं। और ये बाधा संचारक की मानसिक अस्पष्टता अनिच्छा को लेकर होती है। ठीक है, तो सीधा सी लिखिए शोर से क्या तात्पर्य है, संचार प्रक्रिया में, संचार की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा आ जाए तो उसे हम कहते हैं, तो उसे हम शोर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए लिखा है संचार के कितने प्रकार होते हैं, संचार जो होता है संचार के कितने प्रकार होते हैं, तो संचार में पहला होता है सांकेतिक प्रचार, सांकेतिक संचार। तो सांकेतिक संचारों का अर्थ क्या होता है कि संकेतों के द्वारा संदेशों को पहुंचाना, संकेतों के द्वारा क्या, मनुष्यों का हाथ पैर जोड़ना, पैर छूना, हाथ हिलाना, कोसना, सिग्नल देना और लाल बत्ती देना, हरी बत्ती देना, ये सब सांकेतिक संचार है। इसमें मनुष्य अपने अंगों का या अन्य उपकरणों का प्रयोग करता है, सांकेतिक संचार। सांकेतिक संचार कैसे होते हैं,
इशारों के माध्यम से होते हैं। बत्ती में लाल सिग्नल दे देना है ना, तो लोगों को पता चलता है। हाथ पांव हिलाना, जाकर के पैर छूना, और हाथ पैर छूना होता है, हाथ मिलाना होता है, अच्छा मुट्ठी कसना होता है, सिग्नल देना होता है, लाल बत्ती आ जाए तो रुकना होता है। तो इस प्रकार के जो होते हैं सांकेतिक संचार होता है, सांकेतिक संचार इसे हम कहते हैं। सांकेतिक संचार मतलब होता है संकेतों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से संचार चलता है। इधर से उधर बात चली गई ना, सिग्नल हुआ, लाल बत्ती जल गई। जब लाल बत्ती जल जाती है तो लोगों को पता चल जाता है कि रुकना है। जब हरी बत्ती जलती है तो लोग चल देते हैं। तो ये सिग्नल है ना, मतलब हरी बत्ती देना और लाल बत्ती देना, ठीक है ना। आदमी के पैर छू लेना करके, चुपचाप आना, दादाजी के पैर छू लेना, चले गए, और दादाजी ने आगे से हाथ हिला दिया, मुँह से कुछ नहीं बोले। तो क्या होता है, ये भी एक होता है संचार के माध्यम, नंबर वन कहलाता है सांकेतिक संचार, ठीक। अब नंबर टू में आता है मौखिक उपचार। मौखिक उपचार क्या होता है, मुख्य द्वारा मौखिक, मुख मतलब मुख्य क्या संचार होता है, मतलब मुंह के द्वारा, अपने मुंह के द्वारा हम अपनी बातों के नहीं, मुख के द्वारा जो संचार होता है अपनी ध्वनियों के माध्यम से, मुख द्वारा हम ध्वनियों के माध्यम से संकेत जो संदेश जो है एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। जो मुंह से बोला जाता है, जो मुंह से ध्वनि निकलती है, उसके माध्यम से ध्वनि मतलब मौखिक संदेश प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। जैसे होता है क्या करना, जैसे होता है बाप आपस में बातचीत कर लेना, टेलीफोन के द्वारा बातचीत करना, और खड़े होकर के भाषण देना, तो ये क्या कहलाता है, मौखिक संचार कहलाता है, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं मौखिक संचार, आपस में बातचीत करना है ना, आपस में बातचीत चल रही है तो मौखिक संचार होता है, भाषण देना मौखिक संचार होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मौखिक संचार, ठीक है, नंबर एक सांकेतिक संचार, नंबर दो होता है मौखिक संचार, मौखिक दो होता है मौखिक संचार, और नंबर थ्री में आता है अमौखिक संचार। अमौखिक संचार क्या होता है, अमौखिक संचार के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के संचार साधन जो हैं अमौखिक संचार कहलाते हैं। बहुत नंबर एक सांकेतिक संचार, लिखित संचार, और चित्र फिल्म आदि द्वारा संचार। तो जो अंतः व्यक्तिक संचार का क्या आशय होता है, अंतः व्यक्तिक संचार का माध्यम क्या होता है, तो कहते हैं अंतः व्यक्तिक संचार का माध्यम है एक व्यक्ति का अपने आप से बातचीत करना। एक व्यक्ति का जो होता है अपने आप से बातचीत करना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति जो है इतना मशगूल हो जाता है कि उसे समय का भी ध्यान नहीं रहता और बैठा रहता है, और वो अपने आप ही बातें करता रहता है, अपने अंतःकरण से ही बातें करता है, तो उसे हम अंतः व्यक्तिक संचार कहते हैं। डाक लेखन, डायरी लेखन, और तो आत्मपरिक कविताएं अंतः व्यक्तिक संचार के अंग कहे जाते हैं। तो अंतः व्यक्तिक संचार के अंग कौन कौन से होते हैं, पहला होता है डायरी लेखन, और दूसरा होता है आत्मपरक व्यक्तिक, आत्मपरक नंबर होता है डायरी लेखन, और दूसरा होता है अव्यक्तिक, ठीक। तो इसे हम कहते हैं अमौखिक संचार, इसे हम क्या कहते हैं, अमौखिक संचार कहते हैं, ठीक है। अब देखिए लिखा होता है जन संचार से आप क्या समझते, उससे फिर आता है जन संचार से आप क्या समझते हैं। कहते हैं जन संचार होता है जब हम किसी समूह के साथ में प्रत्यक्ष संवाद करने के बजाय किसी यांत्रिक माध्यम से संवाद स्थापित करते हैं तो उसे हम जन संचार कहते हैं। जन संचार किसे कहते हैं, यदि हम किसी समूह के साथ में खड़े हैं तो प्रत्यक्ष बात करने की बजाय यांत्रिक माध्यम से संवाद स्थापित करने को हम जन संचार कहते हैं। यांत्रिक माध्यम से क्या कहते हैं हम लोग, उसे जन संचार कहते हैं। तो देखिए अब इसमें जन संचार बीच में जुड़ गया है समूह संचार। समूह संचार क्या होता है, जब व्यक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि पूरे समूह से बातचीत करता है, तो और मतलब पूरे समूह, जब किसी कोई व्यक्ति अपने मतलब एक व्यक्ति से नहीं पूरे समूह से बातचीत करता है और आपस में क्या करता है, और आपस में विचार विमर्श भी करते हैं, तो उसे हम समूह संचार कहते हैं। जब संचार जो होता है किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि
एक से अधिक व्यक्तियों के साथ में किया जाता है तो क्या कहलाता है, तो समूह संचार कहता है कहलाता है। और उसमें विचार विमर्श भी होते हैं तो उसे हम कहते हैं समूह संचार कहते हैं। जैसे कक्षा में पढ़ना है और पढ़ाना है तो बैठक में कोई चर्चा करनी है तो इसे हम कहते हैं समूह संचार। इसे हम क्या कहते हैं, समूह संचार। और उसके बाद में हो गया जन संचार। तो कहते हैं संचार के जो विविध प्रकार होते हैं, नंबर होता है सांकेतिक प्रचार, नंबर टू होता है मौखिक प्रचार, नंबर थ्री होता है अमौखिक प्रचार, नंबर फोर में आता है अंतः व्यक्तिक संचार। अंतः व्यक्तिक संचार क्या होता है, जब व्यक्ति अपने मन से ही बातें करता रहता है, बोलता रहता है, तो उसे हम कहते हैं अंतः व्यक्तिक संचार, वो अपने आप से ही बात कर रहा है। तो नेक्स्ट आता है समूह संचार। समूह में बैठ करके कोई बात करना समूह संचार कह रहता है। उसमें क्या होता है, एक से अधिक व्यक्ति होते हैं तो आपस में अपने विचार प्रतिक्रिया भी व्यक्त करते हैं, उसे हम कहते हैं समूह संचार। समूह के बीच में कोई बातचीत करना, जैसे होता है कक्षा में पढ़ना और पढ़ाना होता है ना, कक्षा में पढ़ना और पढ़ाना होता है, बैठक में बैठ करके कोई चर्चा भाषण करना होता है। और जन संचार क्या होता है, जब हम किसी समूह के साथ में प्रत्यक्ष संवाद करने के बजाय किसी यांत्रिक माध्यम से संबंध स्थापित करते हैं तो उसे हम कहते हैं जन संचार कहते हैं। ठीक है, जब किसी समूह के साथ, समूह बैठा है पूरा, तो जब किसी समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद करने की बजाय बल्कि यांत्रिक माध्यम से जब हम बातचीत करते हैं तो कहलाता है समूह, तो उसे हम जनसंचार कहते हैं। ठीक, तो उसे हम जनसंचार कहते हैं। तो जनसंचार की क्या विशेषताएं होती हैं, कहते हैं जनसंचार की क्या विशेषताएं होती हैं। तो जनसंचार जो होता है सार्वजनिक होता है, औपचारिक संगठन होता है, द्वारपालों का नियंत्रण होता है। कहते हैं सार्वजनिक जन संचार की जो प्रगति होती है वह कैसी होती है, सार्वजनिक होती है। वो क्या करता है, संचालक और प्राप्तकर्ता के मध्य किसी भी प्रकार का कोई सीधा संबंध नहीं होता है। जो प्रचार करता है और जो लेता है संचार माध्यम का, उसके साथ कोई विशेष संबंध नहीं होता है। एक ही कार्यक्रम में एक ही समय में देश और विदेश के अनेक नगरों में अनेक वर्गों के लोग देख रहे होते हैं। इन कार्यक्रमों में सभी की रुचि सार्वजनिक महत्व के कारण होती है। तो कहते हैं सार्वजनिकता, पहला होता है सार्वजनिक, मतलब सार्वजनिक सभी के साथ में। नंबर टू होता है अत्यधिक व्यापकता, तो जन संचार माध्यमों के व्यापन की संभावना करोड़ों अरबों तक हो सकती है। मतलब जन संचार के माध्यमों की व्यापना, मतलब संभावना करोड़ों अरबों तक हो सकती है। जैसे क्रिकेट का खेल हो या सामाजिक कोई अवसर हो, इसका दर्शन करोड़ों लोग एक साथ करते हैं। अत्यधिक व्यापकता, जन संचार के माध्यम जो होते हैं उसे करोड़ों और अरबों लोगों तक कोई भी बात पहुंचाती है। जैसे क्रिकेट का खेल होता है तो विशेष राजनीतिक जो रेडियो, दूरदर्शन आदि की जो रेडियो है, दूरदर्शन है, आज भी ऐसे ही संचार के माध्यम हैं। तो इसमें देखिए हम बताएं, जैसे लिखा है एनकोडिंग का क्या अर्थ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है एनकोडिंग। उसे किसे कहते हैं, कूट वाचन या डिकोडिंग किसे कहते हैं, जन संचार क्या होता है। तो ठीक है ना, जन संचार क्या होता है और जन संचार की क्या विशेषताएं होती हैं। नंबर होता है सार्वजनिकता, दूसरा होता है औपचारिक अनौपचारिक संगठन है, द्वारपालों का नियंत्रण रहता है किसी भी जन संचार के माध्यम में। गेट कीपर जो होते हैं द्वारपाल होते हैं, ये द्वारपाल प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री का नियंत्रण करते हैं। समाचार पत्रों के संपादक सहायक संपादक उप संपादक आदि ही तय करते हैं कि पत्र में कौन सी सामग्री छपेगी। ये द्वारपाल तीन मूल्यों की रक्षा करते हैं, नंबर एक सार्वजनिक हितों की रक्षा करते हैं, नंबर दो पत्रकारिता के सिद्धांतों की रक्षा करते हैं, और तीसरा आचार संहिता की रक्षा करते हैं।
पत्रकारिता के सिद्धांतों की और सार्वजनिक हित की व्यक्ति की ये हत्या करते हैं। कहते हैं द्वारपालों का नियंत्रण गेटकीपर या क्या होता है, गेटकीपर या होता है द्वारपाल, द्वारपाल होता है। ठीक, तो कहते हैं कि फीडबैक किसे कहते हैं, फीडबैक, फीडबैक क्या होता है, जन संचार के माध्यमों से, कहते हैं जन संचार के माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित सामग्री की प्रतिक्रिया तुरंत नहीं मिलती, विभिन्न प्रकार के श्रोताओं अथवा दर्शकों को पत्रों के माध्यम से इनकी लोकप्रियता या रोचकता का ज्ञान हो जाता है। अरोचकता मतलब ये संदेश रोचक है या नहीं, इसका ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो जो जन संचार होता है, जन संचार का मतलब माध्यम क्या होता है, तो जन संचार किन कार्यों, जिन जन जो संचार होता है किन कार्यों को संपन्न करता है, पहला होता है सूचना देना है, दूसरा व्यक्ति को शिक्षित करना है, और तीसरा मनोरंजन करना है, और चौथा क्या होता है, एजेंडा तय करना है और विचार विमर्श करना, एजेंडा तय कर लेना और विचार विमर्श कर लेना। तो पहला होता है सूचना देना। जन संचार के माध्यमों का प्रधान, सबसे प्रधान और प्रमुख कार्य होता है सूचना देना। मीडिया को, मीडिया का जो मतलब लाभ है, मीडिया को तो मीडिया जो होती है, मीडिया का तो नाम ही नाम होता है, तो क्या होता है वो समाचार पत्र हैं, दूरदर्शन हुए या इंटरनेट, इसका भी प्रमुख कार्य जो होता है तेजी से सूचनाओं को वितरित करना होता है, सूचना देना और शिक्षित करना। जन संचार माध्यम जो हैं व्यक्ति को शिक्षित और सजग बनाते हैं, समाचारों के अतिरिक्त नई नई जानकारियाँ भी ये जन संचार के द्वारा प्राप्त, जन संचार के द्वारा प्राप्त हो जाती हैं। अब मनोरंजन करना होता है, तो जब से रेडियो और दूरदर्शन का आविष्कार हो गया तब से जन संचार का मुख्य कार्य होता है मनोरंजन करना भी होता है। भारत की अधिकांश जनता होती है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा जन संचार किया करती है। ठीक, नंबर एक होता है संदेश पहुँचाना, मतलब संदेश पहुंचाना या सूचना देना, और नंबर दो होता है शिक्षित करना, नंबर थ्री होता है मनोरंजन करना, और चौथा होता है एजेंडा मतलब निगरानी करना। क्या करता है, जन संचार होता है तो वो लोकतंत्र के पहरेदार होते हैं, फिर भी वे किसी मुद्दे को लेकर देश और समाज के हित में जोड़ देते हैं, सरकार तथा समाज के प्रतिनिधित्व का मत देकर और गुहों का वाचन स्थापित करके देश और समाज को किसी खास दिशा में सोच देने का ये प्रयास भी करते हैं। कहते हैं एजेंडा तय करते हैं, हर चीज़ का एजेंडा होता है, एजेंडा तय कर लेते हैं कि ये विज्ञापनों का प्रसारण जो है आदान। तो कहते हैं कि जन संचार जो माध्यम होते हैं किसी पूरे मुद्दे को उठा करके देश और समाज के केंद्र में ले आते हैं और क्या करते हैं, और संपादकीय जो होते हैं, मुख्य जो संपादक लोग होते हैं, संपादकीय लिख करके किसी विशेष विद्वानों के लेख लिख छप करके छपवा देते हैं और दूसरी ओर पाठकों की जो आवाज़ होती है, आवाज़ भी जो होती है समाचार पत्रों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से और दूरदर्शन के माध्यम से वहाँ तक पहुँच जाती है, तो विचार विमर्श करना, जन संचार माध्यम जो है विभिन्न मतों पर क्या करता है, विचार विमर्श करता है और क्या होता है, दूसरी ओर मुख्य संचालक संपादकीय लिख करके विचार विधान के लेख छाँट करके लेकर के आता है, दूसरी ओर पाठकों की आवाज़ ही समाचार पत्र, पत्रिका और दूरदर्शन में व्यक्त होती है। इस प्रकार संचार माध्यम का विचार जो होता है मन जो होता है एक भी वाद्य यंत्र होता है जो हमें हर चीज हर बात को बता देता है, तुरंत बता देता है। ठीक है ना, जो हमें इन बातों को तुरंत ही बता देता है। तो जन संचार के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, पहला है समाचार पत्र पत्रिकाएं, मतलब होता है प्रिंट मीडिया, और सिनेमा होता है, रेडियो होता है दूरदर्शन
और क्या होता है, रेडियो, दूरदर्शन और इंटरनेट, और इंटरनेट होता है, ठीक है, और इंटरनेट होता है। तो क्वेश्चन आता है कि जनसंचार से क्या तात्पर्य होता है ना, और कूट वाचन किसे कहते हैं, कूटीकरण किसे कहते हैं। तो एक बार ध्यान रखिएगा कि आप लर्न कर लीजिएगा कि जनसंचार किसे कहते हैं, कूट वाचन किसे कहते हैं, कूटीकरण किसे कहते हैं, और कूटीकरण किसे कहते हैं, कूट वाचन मतलब एक कूटीकरण होता है, कूटीकरण किसे कहते हैं, कूट वाचन किसे कहते हैं, और जनसंचार से क्या तात्पर्य होता है। जनसंचार से मेन जो हमको क्वेश्चन बता रहे हैं, जनसंचार से क्या तात्पर्य होता है। और सबसे पहले हम आपको एक बात कहना चाहेंगे कि आप बेटा लाइव क्लास ज्वाइन करिए, लाइव क्लास जो है ज्वाइन करिए। लाइव क्लास में क्या होता है कि आप अपने जो भी आपके पास जो भी आपको मतलब डाउट्स होंगे वो आप इसी में लाइव में पूछ सकते हैं, और साथ साथ में पढ़ते चलिएगा, ठीक है बेटा, ओके बाय।